हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज, वो भी घर में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये कुकीज। कोकोनट कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर और अपनी कैस्टर शुगर की क्रीमिंग करेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, ये कंपलसरी है, सॉल्टेड बटर का यूज नहीं करना है। और यहाँ पर कैस्टर शुगर का यूज किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ बैटर बन जाए। आप क्रीमिंग करने के लिए हैंड बीटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्पैचुला का यूज कर रहे हैं। हमें तब तक बीट करना है जब तक अच्छी तरह इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और फ्लफी नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे बीट करते रहेंगे। इस जगह हमारा बटर और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये फ्लफी भी हो गया है। अब इसमें हम अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मिल्क, इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। मिल्क मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मैदा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये नारियल का चूरा है, बेकिंग पाउडर, इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम इसे बटर में ऐड करेंगे। हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में लाएंगे। ये हमारा कुकी का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसकी हम गोलियां तैयार करेंगे। हमें गोलियां एकदम हल्के हाथों से बनानी है और हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है। ये हमने सारी गोलियां बना के तैयार कर ली है। इससे लगभग 10 से 12 बिस्किट्स तैयार होंगी। अब इसे हम प्रीहीट ओवन में बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। डिपेंड करता है आपके ओवन की या ओटीजी की हीट कैसी है, तो आप बीच में चेक करके देख सकते हैं। अगर इसमें कलर आ गया है तो आपकी परफेक्ट बेक हो गई है। तो चलिए इसे हम बेक करते हैं। पंद्रह मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी कुकीज अच्छी तरह बेक हो चुकी हैं। इस जगह हम ओवन बंद करके अपनी कुकीज बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कुकीज के चारों तरफ कलर आ गया है, हल्का ब्राउन कलर, और बैक साइड भी कलर आ गया है अच्छी तरह। इसे अब हम 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर इसे अभी हम निकालेंगे तो सारी कुकीज टूट जाएंगी, क्योंकि सारी कुकीज सॉफ्ट है। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुकीज अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, सारी कुकीज में अच्छी तरह कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। कुकीज को एक बार हम तोड़ के देखते हैं हमारी कुकीज क्रंची बनी है या नहीं। एकदम परफेक्ट बनी हुई है। तो लीजिए, ये तैयार हो गई कोकोनट कुकीज। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
और आने वाली नई नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।